देखिए भैया, गेहूं का बीज हम इसमें डाल रहे हैं। इसमें जितना खराब बीज रहेगा उसको छान देंगे। जो ये जो बढ़िया बीज रहता बैठ जाता होगा दीदी, और हाँ खराब बीज छाला जाता है, हाँ भैया देखिए, तो खराब बीज आप निकाल देंगे नहीं हाँ दीदी? खराब बीज ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए गौमूत्र डालेंगे भैया। गौमूत्र डालिएगा। हाँ देखिए, अब गुड़ इसमें डालेंगे। ठीक है, गुड़ डाल रहे नहीं दीदी? हाँ अब देखिए जैविक खाद इसमें डाल रहे हैं। अब देखिए भैया, इसको अच्छा तरह से मिला देते हैं। डंटा से चला देते नहीं दीदी? हाँ भैया, अब देखिए भैया, इसको मतलब आप तो सब चीज़ डाल दिए इसमें, घोर दिए। अब इसको मतलब इसे झाँप कर 8 घंटा के लिए इसको सुरक्षित जगह में रख देंगे। ठंडा जगह? हाँ ठंडा जगह पर रख देंगे ठीक इसको। है दीदी, पानिया गिराए वो भैया। ठीक और चाहिए। लाथिन हम मदद कर देंगे। अब देखिए भाई, इसको छान रहे हैं। ठीक है दीदी, अब देखिए इसको 10 मिनट के लिए पसार देते हैं, हवा इसमें लग जाएगा। 10 मिनट के लिए हवा लगा रहे हैं दीदी? हाँ अब देखिए भाई, 10 मिनट हो गया। समेट देते हैं दीदी, मदद करते हैं। हाँ दीदी, पन्नी कहाँ लगाए हैं दीदी? ये जैसे बीजामृत है ना भैया, हाँ तो इसे मिलाएंगे। इसमें जैसे दवाई का काम करता है, तो नाखून उखून में समने के कारण मतलब कि इसीलिए मतलब पन्नी मतलब बांध लेते हैं। ऐसे नाखून उखून में नहीं ना अथी होगा, ठीक। इसीलिए पन्नी बांध देते हैं। आगे का प्रक्रिया क्या कीजिएगा दीदी? देखिए इसमें इसको लपेट के बांध के मतलब रख देंगे। ठीक है दीदी, ये सूत्री है इससे। इसको 16 से 18 घंटा तक रख देंगे। 16 से 18 घंटा तक हाँ अंकुरण आने के लिए। अंकुरण आ जाएगा, उसके बाद रोपेंगे।